सन 2000 में मैं दिल्ली आया था और मैंने एक साल प्राइवेट नौकरी की। उसके बाद मैंने अपनी ऑटो लिया और उसको मैं तब से ड्राइव कर रहा हूँ। ऑटो का काम तो मैं अभी 2-4 साल 4-5 साल से कर रहा हूँ। 12-13 वर्षों से मैं ऑटो चला रहा हूँ। पहले मैं दूसरा काम किया करता था लेकिन वो सीजनली काम था। 22 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोगों की रोजी रोटी पूरी तरह से ठप हो गई थी। हमारे इनकम का कोई सोर्स नहीं था क्योंकि हम ऑटो चलाते हैं तभी हमारे और हमारे बच्चों का और पत्नी का भरण पोषण होता है। बहुत परेशानियां होती थी। अब ये लगता था कि कब तक ऐसा होगा। पहले ये होता था ना जी एक हफ्ते बाद सही हो जाएगा, अब खुल जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये प्रोसेस रहा कि लोग डर की वजह से नहीं निकलते थे। इसलिए हमें मजबूरी में दिल्ली सरकार के पास अपनी फरियाद रखनी पड़ी और तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने हम लोगों का सुनवाई किया और बोले कि हम आर्थिक तौर पे जिस भी चालक के पास लाइसेंस और पीएसबी बैज होगा उस चालक को 5,000 की आर्थिक सहायता हम देंगे, उसके सीधा अकाउंट में उसके खाते में हम ट्रांसफर करेंगे। उस टाइम में इतना परेशान थे लोग कि किसी को 100 रुपये की मदद भी बहुत बड़ी बात थी और हमें तो 5,000 रुपये की सहायता राशि दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई जिससे हमें आसानी हुई अपने परिवार को जीवन यापन करने के लिए। कोविड टाइम पे 5,000 मिल जाए तो लोग सोचे 5 लाख मिल गए हमारे को। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल्ली के ड्राइवरों को ही दी गई और राज्यों में नहीं दी गई। जब से हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी बने हैं तब से इतना चेंजिंग हुआ है कि हर कोई आज के डेट में जो भी हमारे 1 लाख ऑटो चालक है और 50,000 टैक्सी चालक है सभी लोग बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रहे हैं। बुराई अथॉरिटी में जब हम लोग गाड़ियाँ पास कराने जाते थे तो मिनिमम गाड़ियों को पास कराने का खर्चा ये 2-3 हज़ार रुपये आ जाता था। हम लोगों का ये काम जो है फ्री हो रहा है। करीब 15-20 हज़ार रुपये सीधा हर साल हमारी बचत हो रही है। हम कहते हैं केजरीवाल जी बने रहे हम और हमारा परिवार हमारे बच्चे और दिल्ली के हम सभी ऑटो चालक अपने दिल से तन मन धन से दिल्ली सरकार के साथ हैं और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी दिल्ली